हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रुद्र का डिनर टू बेड टाइम रूटीन। जा रहे हो भी आप? बाहर जा रहे हो? हाँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रिलायंस फ्रेस। क्या देखोगे वहां आप जाके? मेट्रो, ट्रेन, बस और सो मेनी बस। और क्या क्या लेके आओगे वहां से? आइसक्रीम लेके आएगा, जूस लेके आएगा और फ्रूटी लेके आएगा। बड़ी बोतल में फ्रूटी लेके आएगा ये। आए घर आने के बाद में मैं रुद्र के लिए यहाँ पे इंस्टेंट व्हीट कैरेट डोसा बना रही थी, जिसे बनाने के लिए मैंने 3 टेबल स्पून यहाँ पे व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूं का आटा लिया है। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने सूजी ऐड की है एंड मैं इसे इंस्टेंट बना रही हूँ। तो यहाँ पे ग्रेटेड कैरेट मैंने ऐड की है, 1 टेबल स्पून दही ऐड किया है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड कर रही हूँ, ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बहुत हेल्दी और वेट गेनिंग रेसिपी है। आप लोग अपने बेबी को 8 मंथ प्लस से ये रेसिपी देना स्टार्ट कर सकते हो। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर को बना लेंगे। आप पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए, क्योंकि एक साथ ज़्यादा करने से क्या होता है, बैटर गीला हो जाता है। तो मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किए जा रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी, क्विक एंड टेस्टी रेसिपी है, बच्चों को पसंद आती है। और मेरा यहाँ पे बैटर बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने तवे पे ऑयल स्प्रेड किया है एंड आप चाहो जिस शेप में बच्चों के लिए बना सकते हो, अगर कोई शेप डायनासोर या फिर बटरफ्लाई टाइप की अगर आप शेप बनाते हो तो वैसे शेप में बना सकते हो। मैं तो प्लेन बनाती हूँ, इतनी मेहनत नहीं करती। बट अगर इनकेस आप अपने खाने को ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देना चाहते हो तो इस तरीके से बना सकते हो। जब एक तरफ से अच्छे से सीख जाता है तब मैं इसको टर्न कर रही हूँ और दोनों तरफ से हम इसे मीडियम फ्लेम पर सीखेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पर क्या होता है, जल जाता है और हमको लगता है सीख गया और वो एक्चुअल में सीखता नहीं है। मैंने यहाँ रुद्र लड्डू बेटा हाई चेयर पे बैठो, चपके साथ इसे सर्व किया है। ये लो बाइट लगाओ। नहीं है, खा के देखो। नहीं है ना, खा लो। वैसे तो रुद्र हमारे खाने में शिफ्ट हो चुका है, जो खाना हम खाते वही खाना भी डेली खुद भी खाना स्टार्ट हो गया। बट मैं कभी कभी इसके लिए इस टाइप का खाना भी बनाती रहती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों की ग्रोथ के लिए उन्हें हर टाइप का खाने की ज़रूरत होती है। तो उसको हर चीज़ मिल सके खाने के थ्रू, तो मैं ट्राई करती हूँ उसको अच्छे से अच्छा बना के खिला सकूँ। जब इसका डिनर फिनिश हो चुका था उसके बाद में मैंने इसे मैगी ऑफर की थी। मैं इसे मैगी मोस्टली इग्नोर ही करती हूँ, बस ये हार्डली 2 या 3 स्पून खाएगा तो मैंने इसे टेस्ट के लिए दे दी थी, क्योंकि इसका पेट ऑलरेडी भर चुका है जो खाना इसने खाया है। तो जब मैं मैगी इसे देती हूँ तो खाने के बाद में ही देती हूँ। बाबू ये स्मॉल, ये बिग, छोटा बड़ा, ये छोटा ये बड़ा, एक छोटा एक बड़ा। बताओ स्मॉल कौन सा है, बिग कौन सा है? स्मॉल छोटा बिग बड़ा। हाँ, स्मॉल कौन सा है, बिग कौन सा है? स्मॉल बिग। गुड। स्मॉल कौन सा है, बिग कौन सा है? स्मॉल बिग। गुड। तो फेस तो क्लीन कर लोगे ना? आपका गंदा गंदा हो रहा है, देखो हो रहा है फेस गंदा गंदा और टीथ भी गंदे गंदे। और आपको पी तो लग रहा है ना बेटा? चलो पी करके आते सोई सोने से पहले, है ना? फिर आपका स्लीपिंग टाइम होगा ना। चलो कम आ जा मेरी जान। स्लीपिंग के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। मम्मा को बेड क्लीन करना है जो आपने गंदा गंदा कर रखा है, फिर स्लीपिंग करेंगे। सोने का टाइम हो गया, चलो आप बेटा पी करके आएंगे ना, तो फिर मम्मा आपको स्टोरी सुनाएगी।
सोने से पहले आप किसकी स्टोरी सुनोगे? बताओ कौन सी सुनोगे? देखो कि बहुत बढ़ रहे हैं। ठीक है नहीं? ओके चलिए नहीं करे। अभी टाइम हो रहा है 9:00 और यहाँ पे मैंने इसको ब्रश करवा दी, फेस क्लीन कर दिया है, बस अभी सोने के लिए रेडी है। ड्रेस चेंज करूंगी, थोड़ी देर बुक रीडिंग करूंगी। अरे बाप रे, मेरी बेटी के यहाँ दर्द हो गया। मेरी बेटी के दर्द हो गया क्यों? कितना ज्यादा वाला? एंड सोने से पहले मैं रुद्र की ड्रेस चेंज कर देती हूँ, उसे फुल स्लीव के कपड़े पहनाती हूँ क्योंकि एसी चलता है और ये बिल्कुल कवर करके नहीं सोता, तो इसे कोल्ड या कफ नहीं ही हो जाए, तो मैं इसे फुल स्लीव के ड्रेस पहना के सुला देती हूँ, फिर टेंशन नहीं रहती कि हाँ ये उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। आज का मिल्क मैंने स्किप कर दिया क्योंकि हम मार्केट चले गए थे, तो डिनर इसने 8:30 के समथिंग किया था, तो फिर इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है, तो फिर मिल्क स्किप हो चुका है। अब ये डायरेक्टली बुक रीडिंग करके मैं इसे सुला दूँगी। मैंने यहाँ पे ड्रेस चेंज कर दी, इसकी बुक्स लेके बैठी हुई हूँ, अब इसको सुलाने की ट्राई करूँगी। ये अभी अकेला खुद से नहीं सोता, मेरे को ही सुलाना पड़ता है साथ में लेके, बट कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। साइड में मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ, साथ में इसको सुलाती हूँ, मैं भी लेटी रहती हूँ, तो बस ये लेटे लेटे सो जाता है। लास्ट 10 बजे तक सो जाता है। तो रुद्र का इस तरीके से इवनिंग टू नाइट रूटीन होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।